नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं प्राइम डिबेट। उत्तर प्रदेश में चुनाव भले ही कुछ महीने दूर है, लेकिन चुनाव से पहले सियासत ने मजहब का अमली जामा ओढ़ लिया है। जी हां, आज यूपी में अचानक राजनीतिक दलों का पंडित प्रेम उमड़ कर बाहर आने लगा है। राजनीतिक दलों के लिए ब्राह्मण समुदाय अचानक महत्वपूर्ण हो गया है। खासकर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में इस समुदाय को रिझाने की होड़ सी मच गई है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि क्यों आखिर ब्राह्मण जरूरी हो गए हैं। लेकिन इससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे और उसके बाद बात होगी इस बार की लगातार पंडित क्यों होने लगा है उत्तर प्रदेश के आगामी चुनाव को लेकर। यूपी की राजनीति मतलब जी का जंजाल। कहा जाता है कि यूपी की राजनीति को समझना आसान नहीं है। बड़े से बड़े सियासतदान यहां आकर पानी मांगते नजर आते हैं। यहां उसी की राजनीति चमकती है जो यहां की राजनीति के साथ साथ ही बड़ा हुआ है। यूपी हमेशा से आस्था का केंद्र रहा है, इसको धर्म की नगरी भी कहा जाता है। अयोध्या, वाराणसी, मथुरा समेत कई ऐसे जिले हैं जहां हिंदू वोटर्स चुनाव जिताने के लिए अहम भूमिका निभाते हैं। मतलब साफ है, यहाँ की राजनीति धर्म की धुरी के इर्द गिर्द ही घूमती नजर आती है। यहाँ का वोट धर्म से जुड़ा है, यहाँ का वोट आस्था से जुड़ा है। यहाँ का मुस्लिम एक अलग पार्टी के साथ है, ब्राह्मण किसी और के साथ, तो ओबीसी दलित किसी और के साथ। मतलब हर पार्टी के बेस वोट उसके साथ है। इसलिए पार्टियां पहले अपने वोटर्स को साधती हैं, फिर बाद में उनको साधती हैं जो उनके साथ नहीं है या आना नहीं चाहते। चुनाव अभी दूर है। कोई पार्टी ब्राह्मण सम्मेलन की बात कर रही है, तो कोई परशुराम की मूर्ति लगाने के लिए, तो कोई मंदिर बनवाने की। लेकिन कोई भी पार्टी ना तो विकास की बात कर रही है, ना रोजगार की बात कर रही है और ना शिक्षा की। आज भी शिक्षा के मामले में यूपी सबसे फिसड्डी प्रदेशों में गिना जाता है। सालों से यहाँ की राजनीति मजहब का दंश झेल रही है। सबसे पहले बात करेंगे मायावती की। इनकी पार्टी भी अब ब्राह्मण राग अलापती दिखाई दे रही है। जगह जगह संगोष्ठी रखने के कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं। कभी दलितों के उत्थान और उन्हीं की आवाज को बुलंद करने वाली पार्टी आज ब्राह्मणों को याद कर रही है। साल 2007 में मायावती को ब्राह्मणों का भी अच्छा वोट मिला और उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई थी। लेकिन बाद में ब्राह्मणों का सबसे बड़ा हिस्सा बीजेपी के साथ चला गया। योगी सरकार में ब्राह्मणों के वर्ग की नाराजगी की चर्चा होती है। ऐसे में मायावती की नजर इस वोट बैंक में फिर सेंध लगाने की है। एक तय रणनीति पर चलते हुए सतीश मिश्रा यूपी के हर उस जिले का दौरा कर रहे हैं जहां पर ब्राह्मण समाज का प्रभुत्व ज्यादा है। साथ ही बसपा ने यह ऐलान किया था कि वो बिकरू कांड में आरोपी बनाई गई खुशी दुबे की रिहाई का केस लड़ेगी। मतलब सूबे की सत्ता में वापसी को आतुर बसपा एक बार फिर ब्राह्मणों के सहारे चुनावी वैतरणी पार करने की जद्दोजहद में जुट गई है। दूसरी तरफ फिर से सत्ता की चाबी अपने हाथ में देखने की चाहत रखने वाले अखिलेश भी चल पड़े हैं ब्राह्मणों को रिझाने में। दरअसल सपा और बसपा दोनों की नजर राज्य में करीब 16% ब्राह्मण मतदाताओं पर है। सपा की ब्राह्मणों को लुभाने की यह कवायद बसपा द्वारा 19 संसदीय सीटों पर ब्राह्मण प्रत्याशी उतारने के बाद तेज हुई। हालांकि पहले पार्टी ब्राह्मणों को अपने साथ जोड़ने के लिए इस तरह के आयोजन और जातिगत सम्मेलन करने से बचती थी, पर पार्टी मुख्यालय में शंख भी बजा और महंत भी आए। राज्य में ब्राह्मण वोटों के लिए सपा और बसपा के बीच शुरू हुई यह जद्दोजहद अभी और तेज हो सकती है, क्योंकि इस अभियान में अभी भाजपा और कांग्रेस का नाम शामिल नहीं है।
पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने ब्राह्मण नेताओं के साथ की गई बैठक में ब्राह्मण समाज के उत्पीड़न पर भी चर्चा की। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ ब्राह्मणों के उत्पीड़न पर चिंता व्यक्त की बल्कि पार्टी के पांच बड़े ब्राह्मण नेताओं की कमेटी भी बनाई। ये कमेटी आने वाले समय में आंदोलन की रूपरेखा बनाएगी। इस दौरान अखिलेश ने सपा के ब्राह्मणों के साथ होने का दावा भी किया। सत्ता पर काबिज बीजेपी भी लंबी तैयारी कर रही है। चुनाव जीतने के लिए जो एक दूसरे से दूर रहते थे वो भी करीब आ गए हैं। दरअसल 2022 के चुनाव के बाद 2024 का लोकसभा चुनाव है और ऐसा कहा जाता है कि लोकसभा चुनाव से पहले यूपी के विधानसभा चुनाव को मिनी लोकसभा के तौर पर माना जाता है। देश के सबसे बड़े राज्य के चुनाव में अब सबकी नजर है। राजनीति का ऊंट किस ओर करवट लेता है ये आने वाले वक्त पर ही पता चलेगा। फिलहाल जो भी हो, इस बार का चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। आपको टेस्ट प्राइम टीवी। तो संकेत साफ है कि पिछली बार जिस तरह से ब्राह्मण वोटर्स ने जीत का बड़ा मंत्र दिया था और बीजेपी को सत्ता में विराजमान किया था, तो ये मंत्र जो है अब वो सबके समझ में आने लग गया है। इसीलिए शायद तक अब सपा पार्टी भी जाके ब्राह्मण सम्मेलन करने जा रही है। इसको लेकर आज हमारे साथ बड़ी चर्चा होगी, जिसमें हमारे साथ मौजूद है सपा नेता विवेक पांडे जी, साथ ही साथ बीजेपी नेता हमारे साथ अमित त्रिपाठी जी मौजूद है और कांग्रेस नेता हमारे साथ आशीष कोटाडिया जी मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो सबसे पहले विवेक जी आप पर आना बनता है क्योंकि बात आ गई है ब्राह्मण सम्मेलन की, तो क्या जाति पर वोट आपका भी अब मंत्र हो गया, इसलिए खुली तौर पर आपने जाति को लाकर वोट मांगना शुरू कर दिया है? कीर्ति जी पूरे मंच को सहृदय धन्यवाद देते हुए इस सावन के पहले सोमवार पे मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। बाबा भोलेनाथ महादेव सभी पे कृपा बरसाएं। और बड़ी जिम्मेदारी से मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि हर समुदाय का अपना एक मानसिक प्रभाव होता है, मानसिक प्रादुर्भाव होता है, लेकिन जब सम्मेलन ब्राह्मणों से जुड़ा होता है तो पता नहीं, मुझे ये समझ में नहीं आता कि समाज में इतनी हो हल्ला या इस तरह की गतिविधियां क्यों होने लगती है कि लोगों के अंदर एक मैसेज क्लियर होने लगता है कि अरे ब्राह्मणों का सम्मेलन हो रहा है। ये तो मुझे लगता है कि स्वागत योग्य कदम है। अगर एक समाज एक साथ आकर के किसी विषय पे चिंतन मनन करना चाहता है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई राजनीतिकरण करने की आवश्यकता है। और रही बात ब्राह्मण, देखिए स्वयं सक्षम है, ब्राह्मण स्वयं जानता है कि उसे क्या करना है, ब्राह्मण चिंतनशील है, मननशील है, ब्राह्मण ज्ञानी है, ब्राह्मण ब्रह्मज्ञानी है। तो मुझे नहीं लगता कि उस पर कोई कटाक्ष करने की बात है। बात समाज की, तो हर समाज के अपने इस तरह के चलते रहते हैं कार्यक्रम, लेकिन ब्राह्मण जैसे शुरू करता है पता नहीं क्यों बाकी दलों में या राजनीतिक मोड़ इसलिए आ जाता है ना विवेक जी, क्योंकि ब्राह्मणों का सीधा असर दिखता है 100 सीटों पर, 13% वोट के भागीदारी है वो, तो कहीं ना कहीं रिझाने के लिए जब ये ऐसे सम्मेलन किए जाते हैं तो सवाल तो उठना लाजमी है। लेकिन मान के चलिए आपने स्वयं स्वीकार तो किया, मात्र 13% ही तो है, हम ब्राह्मण सिर्फ 13% की परिधि में ही आते हैं ना। वो 13% नहीं, पिछली बार बीजेपी को सत्ता में विराजमान करने में बड़ी भूमिका निभाई। ये बताइए कि 13% ब्राह्मण अगर अपने समाज के, चलिए ठीक है हमारे राजनीतिक विषय या राजनीतिक हमारी विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन अगर हम अपने समाज के लोगों के साथ बैठ करके अपने समाज के उत्थान के लिए, अपने समाज के विकास के लिए अगर कोई चिंतनशील मननशील कोई विषय प्रादुर्भाव करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इस पे कोई कटाक्ष करनी, क्योंकि देखिए ब्राह्मण का इस भारत की राजनीति में आंदोलनों में बाकायदा आप देखेंगे इस समाज के विकास में हर जगह भूमिका का निर्वहन ब्राह्मणों ने किया है। तो मैं किसी विशेष वर्ग या किसी समाज पे कटाक्ष नहीं कर रहा, लेकिन मैं सिर्फ ये मांग कर रहा हूं कि हमें भी अधिकार है कि हम अपने समाज के उत्थान के लिए इस तरह की संगोष्ठी का आयोजन करें। सामाजिक उत्थान सम्मेलन रख लेते, विकास सम्मेलन रख लेते, ब्राह्मण ही सम्मेलन क्यों, नाम क्यों नहीं, ये नाम नहीं, इसका नाम इसलिए कि देखिए जो आना चाहे, जैसे एक किसी कार्यक्रम में कोई आना चाहे स्वागत है, लेकिन ये विषयांतर्गत विषय जो है ये मुख्य रूप से ब्राह्मण समाज को जोड़ने की बात हो रही है और मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। हर समाज के अपने कार्यक्रम होते हैं, हर समाज की अपनी इस तरह की विषय संगोष्ठी आयोजित होती है, लेकिन ब्राह्मणों की जब भी इस तरह की संगोष्ठी ब्राह्मण करने जाता है तो मुझे नहीं पता कि ऐसा कौन सा भूचाल उन्माद पैदा होता है कि लोगों की मतलब नींदे उड़ जाती है। नहीं कोई विवेक जी सीधे तौर पर कहिए ना, फिर जाति का खुला खेल हम खेलने जा रहे हैं और खुले तौर पर चुनौती दे रहे हैं कि बीजेपी के वोटर्स हम खींचेंगे। मुझे एक बात का आप जवाब दे दीजिए, मैं समझ नहीं पाता कि यही तो मैंने, मेरा सवाल भी तो यही है कि जब बाकी लोग अपने समाज के उत्थान विकास की बात कर सकते हैं तो हम ब्राह्मण अपवाद क्यों? क्या हमें यह अधिकार नहीं कि हम अपने लोगों को साथ लेकर के
अपने समाज के उत्थान के लिए कोई विषय या किसी एक मुद्दे पे हम एक साथ आ सके। मुझे लगता है कि देखिए इसका राजनीतिकरण करने की आवश्यकता नहीं है, हमें इससे बचना होगा। और ब्राह्मण हमेशा समाज को आगे बढ़ाने की, देश विकास, देश के विकास और राष्ट्र को हमेशा मजबूत करने की, मजबूत नींव रखने की भूमिका में सहायक रहा। राजनीति में भी बड़ा नाम है। अब राजनीति तो देखिए इसलिए पंडित जी होना शुरू हो गया। राजनीति देखिए धर्म है, राजनीति एक धर्म है, और उस धर्म का अगर चिंतन मनन के साथ आप देखेंगे कि अगर ईमानदारी से कोई कर्तव्य निर्वहन उस धर्म का करता है तो ठीक है, वो अपना अंतर्गत विषय है। मेरे बगल में बैठे हुए हैं या हमारे मित्र हैं, भाजपा से हैं, लेकिन हमारे राजनीतिक विभेद हो सकते हैं। समाज के हिसाब से मुझे लगता है कि इस देश के विकास में अगर हम अलग अलग दलों में भी बटे हैं तो मानसिक रूप से देश को हम नहीं बांट सकते, तो हमें उस देश की कम से कम निर्माण के लिए एक साथ एक परिधि में आना होगा। बिल्कुल, तो इसीलिए तो मैं कह रही हूँ इसको एक परिधि में लाने के लिए विकास सम्मेलन नाम रख देते या कुछ और रख देते, ब्राह्मण सम्मेलन, यानी कि फोकस फुल ऑन जो है वो ब्राह्मण। नहीं, फोकस फुल ऑन देखिए कई मुद्दों पे होने जा रहा है, जिस तरीके से ब्राह्मणों की आवश्यकताएं हैं, जिस तरह से ब्राह्मणों के विकास, ब्राह्मण समाज का विकास होना है, जिस तरह से ब्राह्मण समाज के लिए आवश्यक तत्वों की आवश्यकता है, वो सारी बातें इसमें समाहित होंगी। समझ में आने लग गई है विवेक जी, आप लोग नहीं, नहीं देखिए हम तो स्वयं ब्राह्मण हैं, हमें जरूरत क्या, हम तो अपने समाज की जरूरत हमेशा, परिवार की जरूरत हमेशा सबको होती है। कट जाएंगे, दलित तो है ही साथ में, तो ब्राह्मण भी इकट्ठा कर लेते, कहीं अगर ओवैसी जी थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा रहे हो तो उसका फायदा ब्राह्मणों के जरिए मिल जाए। नहीं नहीं, ओवैसी जी अपना धर्म निभा रहे हैं, देखिए दूसरे लोग अपना धर्म निभा रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि हर व्यक्ति को अधिकार है कि वो अपने परिवार के लोगों को, अपने समाज के लोगों को सम्मान दे सके, उनसे चर्चा कर सके, परिचर्चा कर सके, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई राजनीति ढूंढने की आवश्यकता है। हाँ, जो राजनीति कर रहे हैं वो मुद्दों की राजनीति ना करके देखिए कई दिनों के बाद दिखाई दिए और किस तरीके से आके अब वो ब्राह्मणों को लुभावने वादे दे रहे हैं, क्योंकि जब मुद्दों की बात थी, जब जरूरतें थी, लोग सड़क पे थे, तड़प रहे थे, चलिए हम दिखे, लोग ये दिखे, लेकिन उनकी तो कहीं कोई भूमिका ही नहीं थी। बुराई हो रही है सामने, नहीं नहीं, मैंने बुराई की बात नहीं की, मैंने कहा प्रलोभनों की बात। ब्राह्मण सम्मेलन से दिक्कत है, नहीं बिल्कुल दिक्कत थी, मैंने कहा कि ब्राह्मण, मैंने कहा ब्राह्मण प्रबुद्ध वर्ग है, ब्राह्मण स्वयं जानता है कि उसे क्या निर्णय लेना है। बिल्कुल, वो प्रबुद्ध वर्ग है तो उन्हें साधने की कोशिश क्यों की जा रही है ब्राह्मण सम्मेलन के जरिए? ठीक है, वो जाने, ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ जो साध रहा है वो समझे इस बात को। ठीक है अमित जी, क्या लगता है आपको, जिस तरह से ये कह रहे हैं कि नहीं हम साधने की कोशिश नहीं कर रहे, लेकिन नाम विकास सम्मेलन नहीं किया है, सीधे सीधे ब्राह्मण सम्मेलन नाम दे दिया गया है, जिसको लेकर सपा को ये बोल माफ कीजिएगा बसपा को ये बोल रहे हैं कि वो साधने का प्रयास कर रहे हैं, आप कहीं आपको ये डर तो नहीं सता रहा है कि रेस से पीछे ना छूट जाए? देखिये डॉक्टर मोहिया की विचारधारा की बात करने वाली समाजवादी पार्टी आज पुनः उत्तर प्रदेश को एक जाति विशेष में की आग में झोंकने के लिए तैयार है और इसी पर अपना काम कर रही है, और बसपा हो चाहे सपा हो इस तरीके के हथकंडे अपना रही है लगातार। आज आपने सही कहा, आपने कहा कि विकास भी बात हो सकती थी। देखिए ब्राह्मण किस खुद अपने में प्रबुद्ध समाज में आता है, ब्राह्मण समाज को एक दिशा दिखाता है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आज जिस तरीके से आपने देखा 2014 से पहले इसी उत्तर प्रदेश में जब इनकी सरकारें हुआ करती थी तो एक जाति विशेष और उन्हीं जाति विशेष में अपने परिवार के लोगों को फायदा पहुंचाकर जिस तरीके से काम किए जाते थे वो किसी से छुपा नहीं था। आज जिस समय उत्तर प्रदेश में आप बताइए ना, क्या जो ये प्रतिमा लगाने की बात हो रही है आज परशुराम जी की, या फिर जो कम मूर्ति दी गई है अखिलेश यादव जी को, तो आज ब्राह्मण समाज ये भी पूछ रहा है कि बताए ना कि क्या ये उस इनके जो सरकारों में किए गए ब्राह्मणों पे अत्याचार थे। अम्बेडकर जी की मूर्ति लगाएंगे तो वो फिर परशुराम की तो मूर्ति मैंने, लगाएंगे। मैंने आपसे पूछ, मैं मेरी बात हो जाने दीजिए, मैं किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अपनी बात रख रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो बात आपने ब्राह्मण समाज की परशुराम जी की मूर्ति लगाने की कि हम सब उसका स्वागत करते हैं, लेकिन साथ में ब्राह्मण समाज ये भी पूछता है कि क्या आपके सरकार में, अखिलेश जी के सरकार में या मायावती की सरकार में जो ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार हुए, क्या उसका पश्चाताप है कि ये मात्र सिर्फ और सिर्फ चुनाव वोट बटोरने का हथकंडा है? देखिए विवेक जी, मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि ब्राह्मण ये जानना चाहता है। लेकिन हमें जी, हम ये पूछना चाह रहे हैं कि डर तो नहीं सता रहा है, क्योंकि ब्राह्मणों की नाराजगी भी है बीजेपी से। देखिए जहां तक आपने ब्राह्मणों की नाराजगी की बात करती है, अगर ब्राह्मण की नाराजगी की अगर कोई दिशा आपको दिख रही होती तो ये ब्राह्मण सुनिए ना, मैं अरे तो आप बात तो सुनिए, अगर आपको कहीं नाराजगी होती तो ये संवेदन किस लिए हो गए? अगर भाई अगर ब्राह्मण नाराज है तो ब्राह्मण तो वो भाजपा विरोध में वोट करता, सुनिए ना,
देखिए 2000 ये सम्मेलन क्यों हो रही है, तो सम्मेलन तो सपा और बसपा कर रही है ना आपके ही ब्राह्मणों को साधने के लिए, कि नाराजगी है तो भैया यही मौका है साध लो। मैंने आपसे कहा ना 2014 में 72%, 2017 में माफ कीजिएगा विधानसभा में 80%, और फिर 2019 में यही उत्तर प्रदेश में 80% ब्राह्मणों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है। और ब्राह्मण किसी का किसी मूर्ति लगाने से किसी तरीके से प्रलोभन में आने वाला नहीं है। ब्राह्मण समाज जो ब्राह्मण समाज को जानते हैं, ब्राह्मण समाज हमेशा आस्था को जगाने में विश्वास रखता है, दिशा दिखाने में विश्वास। इंजीनियरिंग के फॉर्मूले से बसपा ने सरकार बनाई थी मायावती। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, तिलक तराजू और तंगवार इनके मारो जूते चाक वाले आज ब्राह्मण सम्मेलन करा रहे हैं, उसके बाद यही समाजवादी पार्टी मिले बुलायम काशीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम ये नारे लगाने वाले आज ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं। ब्राह्मण को बताने की जरूरत नहीं है, आज ब्राह्मण अपने में समझदार है, ब्राह्मण को क्या करना उसको पता है, वो ऐसे प्रलोभन में नहीं आने वाला है और इनको 2022 में भी करारा जवाब देगा। लेकिन अमित जी आप यही चीज तो कह रहे हैं कि ब्राह्मणों को पता है, लेकिन 2007 में सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला लगा के ही जीत हासिल की थी और मायावती को कहीं ना कहीं एक बार फिर समझ में आने लग गया कि ब्राह्मण साधना इस वक्त जरूरी हो गया है और वही जरूरत सपा को भी कहीं ना कहीं समझ में आ रही है। तो आप अपने वोटर्स को बचाने की कोशिश करिए, मैं आऊंगी आप पर, ठीक है। आशीष कोटारिया जी, हालांकि दोनों सपा और बसपा तो ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है, क्या आपका भी ऐसा कोई मोटिव है ब्राह्मण सम्मेलन करने का, परशुराम की 108 फीट की मूर्ति लगाने का, कोई नई स्ट्रेटजी बनाई? क्योंकि प्रियंका गांधी तो आई थी, जोश देखा था, लेकिन स्ट्रेटजी स्पष्ट नहीं हो पा रही है। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी अपने स्थापना के समय से ही सदैव समाजवाद तथा सेक्युलरिज्म में विश्वास करने वाला राजनीतिक दल रहा है। अब उन्होंने एक बात कही थी अपनी बात में कि धर्म और राजनीति दोनों एक थे। मैं उनको कहना चाहता हूँ कि जो जिस राजनीतिक दल से वे आते हैं, चाहे वे समाजवादी पार्टी हो कि जिसकी स्थापना समाजवादी विचारधारा के आधार पर हुई थी, और बहुजन समाजवादी पार्टी हो जिस काशीराम राणा जी ने जो स्थापित की थी, क्या वे भूल गए हैं कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में स्पष्ट तौर पर कहा था कि जिस दिन देश की राजनीति धर्म ने प्रवेश किया उस दिन भारत देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा और तानाशाह डिक्टेटरशिप का निर्माण होगा। जिस राजनीतिक दल से आते हैं जब उन्हें ही पता नहीं है तो ये अपने आप में बहुत ही प्रश्न खड़ा करता है। अब नंबर दो पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का हमारा कोई भी ब्राह्मण वोटों का, दलित वोटों का, ओबीसी वोटों का या फिर पिछड़े वर्ग के वोट बैंक को लेकर कदापि हमारा उद्देश्य नहीं होता है। हमारा उद्देश्य होता है कि कल्याणकारी योजनाओं को स्थापित करना, देश के अन्नदाता खेत और खलिहान की आत्मा की रक्षा करना, ये हमारी प्राथमिकता है। आज आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जी स्वयं ट्रैक्टर चलाकर संसद भवन के गलियारे तक पहुंच गए। भारतीय जनता पार्टी की पुलिस ने उनको रोकने का बहुत प्रयास किया किंतु पूर्णतः रूप से वे अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाए। आशीष जी देखिए, वो तो केंद्र के लिए वो क्या कर रहे हैं वो तो आगे आने वाले 2024 के चुनाव में पता चलेगा। 2022 के लिए कुछ ना कुछ तो रीइन्वेंट करना जरूरी है, आपको रीट्राई कुछ करने की जरूरत है, कुछ री आपको कुछ ना कुछ बदलाव लाने की जरूरत है। ये तो आप समझेंगे ना कि जिस तरह से सपा और बसपा ने अपना थोड़ा पैतरा बदला है, ब्राह्मण वोटर्स के आगे वो झुकने के लिए तैयार हो गए हैं, तो आपको भी स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत आ गई है, ये जरूरत नहीं लग रही है आपको? एक मिनट देखिए, राहुल गांधी जी जब संसद भवन में ट्रैक्टर लेकर पहुंचे तो आपको समझना कि चाहे वो ब्राह्मण दलित हो, ओबीसी हो, वो भी एक किसान समुदाय से आते हैं, वो भी किसान का बेटा है। जब उनके खेत और खलिहान की आत्मा बिकने के कगार पर हो, पूंजीपति वर्ग इस देश के केस और खेत और खलिहान की आत्मा पर प्रहार अप्रहार कर रहे हो, क्या वो ब्राह्मण देखेगा? उनके लिए खेत खलिहान मायने रखता है, ना कि जाति। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समावेशी विकास, सभी समुदायों के कल्याण में विकास विश्वास रखती है। और आपको ये दिखेगा वर्ष 2022 के चुनाव में, चाहे समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी अपने जो ब्राह्मीण वोट हो, दलित वोट बैंक का जो एजेंडा लेकर आज जो उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं। आशीष जी, आप शायद तक जरूरत समझ नहीं रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जरूरत क्या है और आपको अब अपनी पार्टी को रिक्रिएट करने की जरूरत है, थोड़ा सा उसमें बदलाव लाने की जरूरत है, ये जरूरत बन चुकी है। हालांकि सपा और बसपा तो चुनाव को देखते ही वो रंग बदलना चालू भी हो गए हैं, तो वहां पर आपको जरूरत नहीं लग रही है कि कुछ स्ट्रैटेजी चेंज की जाए?
देखिए हमारी रणनीति को लेकर प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी हो चाहे राष्ट्रीय महासचिव श्री प्रियंका गांधी जी हो, वह पूर्णतः रूप से सक्रिय है और हम कदापि चाहे हमें सफलता प्राप्त हो या ना हो किंतु हम हमारी विचारधारा से कदापि पथ भ्रमित नहीं होते। जिस तरीके से वर्तमान में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जो कर रहे हैं, क्योंकि पूरा देश जानता है हमारे योगदान को और आने वाले आशीष जी आप ये चीज कह रहे हैं बिल्कुल मैं मान रही हूँ, लेकिन इस वक्त राजनीति जो रणनीति है वो क्लियर नहीं हो पा रही है कांग्रेस की, वो उस पर मैं जानना चाहूंगी आपसे। लेकिन हमारे साथ इस वक्त राजनीतिक विश्लेषक दिलीप यशवर्धन जी भी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है दिलीप जी आपका। और लगातार चर्चाएं इसी पर हो रही हैं कि जाति जाति और जाति, क्योंकि अब सपा भी फ्रंट फुट पर आगे खेलने लग गई है ब्राह्मण कार्ड। कीर्ति, इस देश का संवैधानिक दुर्भाग्य कहूंगा कि भारतीय संविधान जिससे इस देश की राजनीति चलती है वो संविधान ये कहता है कि ये देख सेक्युलर कंट्री है, धर्म निरपेक्षता की बात नहीं करी, धर्म निरपेक्ष है, जाति की बात नहीं करी जाएगी ऐसा हमारा संविधान कहता है। और उसी संविधान के तहत रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट बना जिसके तहत ही राजनीतिक पार्टियां इस देश में जन्म ले पाई और आज इस देश की गद्दी पर बैठने की कोशिश कर रही हैं और वो भी सिर्फ जाति के बेस पर। तो सोचिए कि कितना कॉन्ट्राडिक्शन है आज की राजनीति में और भारतीय संविधान के मूल उद्देश्यों में। जबकि केशवानंद भारती का केस आपको याद होगा जिसमें स्पष्ट किया था ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने कि जो सेक्युलरिज्म है वो इस देश का बेसिक स्ट्रक्चर है जिसको कोई भी राजनीतिक पार्टी या कोई भी सरकार डिस्टर्ब नहीं कर सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार इस बेसिक स्ट्रक्चर को खराब करने की कोशिश करी जा रही है हर राजनीतिक पार्टी के द्वारा। अब मैं आपकी बात पर आता हूं कि जो ब्राह्मणों की राजनीति की बात इस समय चल रही है कि अभी बसपा ने ब्राह्मण सम्मेलन किया, अब समाजवादी पार्टी ब्राह्मण सम्मेलन करने की कोशिश कर रही है, और एक समय था जब भारतीय जनता पार्टी को ब्राह्मण ठाकुर और सवर्णों की पार्टी कहा जाता था। तो पहला तो भारतीय जनता पार्टी को यह सोचना होगा कि अगर उनका कोर वोट बैंक उनसे खिसक रहा है तो क्यों खिसक रहा है, क्या उनका फोकस इस जाति से हट करके सब एससी एसटी और ओबीसी पर चला गया है, क्या ये कारण है इसके खिसक जाने का। और जो बाकी पार्टियां हैं जो ब्राह्मण समाज को लुभाने की कोशिश कर रही हैं, तो यहाँ पर ब्राह्मण समाज को सोचना होगा कि आज अगर उनका झुकाव ब्राह्मण समाज की तरफ जा रहा है तो वो ब्राह्मणों के लिए जा रहा है या उनकी राजनीतिक जमीन बचाने के लिए जा रहा है। यहाँ पर मैं राजनीतिक पार्टियों को दोष बिल्कुल नहीं दूंगा क्योंकि उनका ये धर्म है, उनका ये राजनीतिक धर्म है, उनका ये कर्म है कि येन केन प्रकारेण उनको अपनी गद्दी चाहिए, वो गद्दी चाहे एससी एसटी ओबीसी को निभा करके मिले, चाहे तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार का नारा लगा करके मिले, चाहे आज परशुराम जी की 108 फीट की मूर्ति लगा के मिले और ब्राह्मण सम्मेलन करके मिले। जब जैसा मौका आए, जिस जाति को लुभाने की जरूरत पड़े उस जाति को लुभाने के लिए, चाहे उनके आदर्शों की बात करी जाए, चाहे उनके जो यहाँ पर उस जाति विशेष को सोचना होगा कि ये राजनीतिक पार्टियों का झुकाव देश हित में है, समाज हित में है या उनके अपने व्यक्तिगत हित। बिल्कुल दिलीप जी, क्योंकि अभी आपने संविधान की बात करी लेकिन उस संविधान से आगे वो जो कुर्सी है ना उत्तर प्रदेश की वो दिखती है, क्योंकि केंद्र का व्यवस्था भी वहीं से होकर जाएगा तो अहम तो कुर्सी हो जाती है। उसके लिए भी फिर चाहे ब्राह्मण के आगे झुकाव बढ़ाना हो या दलितों के आगे झुकाव बढ़ाना हो, वो तो समय के अनुसार और उत्तर प्रदेश में बदलाव के अनुसार हर पार्टियां डिसाइड कर रही है। इस बार सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला तो कहा जा रहा है लेकिन ये साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि साधना किस जाति को है और जातीय समीकरण ही बैठाना एक मुद्दा रह गया है, क्योंकि जो जी समीकरण को साधना सोशल इंजीनियरिंग नहीं कहलाती है जी, लेकिन ये नाम दिया जाता है दिलीप जी, नाम दिया जाता है लेकिन साधने कोशिश गलत है, गलत है ये, गलत इसलिए भ्रम फैल रहा है कि इस देश में शिक्षा की बहुत कमी है, कि शब्द का वास्तविक मायना क्या है ये जनता नहीं जानती, इसे राजनीतिक पार्टियां। दिलीप जी वही तो हो गया ना, ब्राह्मण सम्मेलन का नाम बदल के जब प्रबुद्ध वर्ग गोष्ठी विचार गोष्ठी सम्मेलन कर दिया जाता है तो बस नाम ही बदला जाता है लेकिन जो उसके मायने होते हैं वो कहीं से नहीं बदलते हैं। सहमत हूं आपकी बात, तो बस ये थोड़ा सा खेल इधर उधर हो जाता है। लेकिन दिलीप जी आप भी ये जानना चाहेंगे और मैं भी विवेक जी से ये जानना चाहती हूँ कि विवेक जी जो ब्राह्मण सम्मेलन है इसमें सिर्फ ब्राह्मणों की ही एंट्री है या बाकी की लोग जातियां जो है वो भी आ सकती है। सबसे पहले तो देखिए मैं बहुत प्रभावित रहता हूं और दिलीप भैया को मैं प्रणाम करता हूं कि आप जुड़े हैं इसके माध्यम से, अभी सरोकार नहीं हो पाया। मैं आपकी अनुमति से जरा कांग्रेस के अपने मित्र भाई को एक जवाब देना चाहूंगा अगर आप अनुमति दें जी। ये कहते हैं ब्राह्मणों की बात,
ये ब्राह्मण प्रेम दिखाते हैं, ये नारा देते हैं कांग्रेस में ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान है, तो 30 जनवरी 1948 की रात शायद आपको याद होगी, जो कि किताबों से और साहित्य से मिटा दी गई, लेकिन मराठी साहित्यकार तरुण भारत के संपादक गजानन त्रयंबकर माडखोलकर जी की पुस्तक में 8000 ब्राह्मण मराठी ब्राह्मणों की हत्या का वर्णन है। उस रात नाथूराम गोडसे जी ने 30 जनवरी 1948 को जब गांधी जी की हत्या हो जाती है, चलिए ठीक है, तो पुलिस का काम था ढूंढती और दंड देती, लेकिन उन्माद क्या फैलाया गया कि एक चित पावन ब्राह्मण ने मुंबई में के नाम पे चित पावन ब्राह्मण बता करके मुंबई में दंगा भड़का और 15 लोगों की हत्या, 15 ब्राह्मण मराठियों की, मराठी ब्राह्मणों की हत्या उसी रात हुई और पुणे में 50 लोगों की हत्या, और इस क्रम में पूरे लगभग 8000 मराठी ब्राह्मणों की हत्या का श्रेय कांग्रेस के सर है। पहले तो कांग्रेस ब्राह्मणों से माफी मांगे, क्योंकि अगर आपका यह कृत्य छुपाने लायक नहीं था तो इसको आपने छुपाया क्यों और वॉशिंगटन पोस्ट ने इसको छापा, वरना शायद ये उस रात का जो एक भयावह नरसंहार था ये इतिहास से मिटा दिया जाता। तो आप ब्राह्मणों की बात तो ना करिए, मैंने पहले ही कहा राजनीति नहीं रहे विवेक जी, मैं आपको बता दूं ये सवाल उठाने योग्य ही नहीं है, ये ब्राह्मणों की बात, आप तो सवाल उठाने योग्य ही नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण समाज के साथ सबसे क्रूरतम व्यवहार आपने किया, अगर नरसंहार हुआ तो उसके साक्ष्य क्यों मिटाए गए, इसका जवाब आप दीजिए पहले, और ये किताब अगर नहीं होती तो ये साक्ष्य भी आज सामने नहीं होता। आप बीजेपी के खींचना चाहते हैं या कांग्रेस से? मैं सत्य की, देखिए बात अगर समाज की आएगी तो मैं पहले ब्राह्मण हूं तो मैं सत्य की बात करूंगा, हमारे राजनीतिक विचारधाराएं अलग है। तो ब्राह्मण सम्मेलन करने का भी सोच नहीं है ना, तो इस कदम आपको तो इस कदम का स्वागत करना चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ हमारे राजनीतिक विचार अलग है। बिल्कुल कर रही हूँ, लेकिन मैं कह रही हूँ अभी तो वो ब्राह्मण सम्मेलन की ओर अग्रसर हो ही नहीं रहे ना अभी तो आप। मैं आ जाऊं अपनी बात पे, मैंने कहा हमारे राजनीतिक विचार अलग है, लेकिन मैंने पहले ही कहा था कि बात अगर एक समाज की आएगी तो हम समाज में प्रयास करते हैं अपने समाज की समस्याओं को जानने के, अपने समाज के उत्पीड़ित लोगों की समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए बड़ी जिम्मेदारी से बताऊं, इसका विकास नहीं, मैं समझ गया, आज आपको ये लग रहा है कि मैंने अभी तक भाजपा के अपने मित्र से कोई प्रश्न नहीं किया, तो आपको ये लग रहा है कि मैं क्यों कांग्रेस को काउंटर कर रहा हूं भाजपा से पूछने, चलिए ठीक है भाजपा भाई, भाजपा में जिस प्रकार से किसी तरह मैं ये नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मैं आप अपनी जवाब नहीं दे रहे, नहीं मैं अपने जवाब पे आ जाता हूँ, चलिए मैं अपने जवाब पे आ जाता हूँ, आप मुझे बस इतना बताइए, आप मुझे इतना बता दीजिए वर्तमान सरकार के ऊपर जितने ब्राह्मणों की हत्याओं का, मतलब जितने ब्राह्मण उत्पीड़ित हुए, जितने ब्राह्मणों की हत्याएं हुई, कितने लोगों को दंडित किया गया है, कितने लोग पकड़े गए, अपराधियों की बात नहीं, 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 अपराधियों की बात नहीं कर रहा, कीर्ति में अपराधियों की तो बात ही नहीं कर रहा, अपराधी कभी भी किसी जाति का नहीं होता, तो कह रहे हैं लेकिन अच्छा आज एक बात बताइए, अगर अपराधियों की बात होती तो इनके देवमणि त्रिवेदी जो खुद इनके विधायक है वो सदन में इस पर चर्चा करना चाहते हैं, क्यों ब्राह्मणों के शस्त्र लाइसेंस गिनवाए जा रहे थे केवल, आप निष्पक्ष रूप से सभी के गिनवाते, तो एक संदेश जाता ना, जो दिलीप भैया ने एक बात कही कि ये भाजपा को सोचना है, क्योंकि आपने ब्राह्मणों के साथ एक तरफा व्यवहार किया है, बिल्कुल चलिए सवाल उठा दिया, अब आप जवाब ले लीजिए, बिल्कुल मैं लूंगी, लेकिन आप ये बताइए ना कि ब्राह्मण सम्मेलन में सिर्फ ब्राह्मणों की एंट्री है या बाकी जाति विशेष के लोग भी आ सकते हैं? नहीं, स्वागत सभी का है, लेकिन मुद्दे जो है वो पटल पे पहले ब्राह्मणों के उठेंगे, स्वागत सभी का है, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, लेकिन मुद्दे पहले ब्राह्मणों के उठेंगे, मैं तो पूछ रहा हूँ, आप जहां लाना चाह रही थी चलिए वहीं आ जाते हैं, मैं तो पूछ रहा हूँ कि दादा परशुराम की जयंती क्यों की छुट्टियां क्यों बंद कर दी गई, चलिए अब आप जवाब ले लीजिए, अब आप ये नहीं कहेंगे ना कि मैं किसी का सपोर्ट कर रहा हूं, 108 फीट ऊंची बनाएंगे ना मूर्ति बना के आप इंप्रेस करेंगे, उसके बाद आप नहीं, इंप्रेस वाली कौन सी बात है, ये बताइए जिस तरह प्रभु श्रीराम का मंदिर इनका एक एजेंडा था, हमारे लिए अगर ब्राह्मण समाज के लिए परशुराम की मूर्ति एक एजेंडा है, क्यों मूर्तियां बनवाने में तो ये लोग बाहर हैं, मूर्ति हमने थोड़ी बनवाई, मूर्ति हमने नहीं बनाई, एक बात बताइए, मानिए ना एजेंडा है, हम अपने पूज्य की पूजा नहीं कर सकते, हम अपने पूज्य की स्थापना नहीं कर सकते, ये कौन सा एजेंडा सेट करवा रही है, नहीं नहीं हम अपने पूज्य की पूजा क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल पूजा करते हैं, लेकिन 108 फीट ऊंची मूर्ति बनाने का क्या मतलब, ब्राह्मण समाज दादा परशुराम की उद्घोष से चलता है, ब्राह्मण समाज दादा परशुराम की उद्घोष से चलता है, हमारे समाज की ये पहचान है, तो हम क्यों नहीं उनकी पूजा करें, क्यों नहीं उनकी प्रतिमा स्थापित करवाएं, अनावरण होना चाहिए, आपके लिए तो ये स्वागत योग्य कदम होना चाहिए, और मेरे मित्र के लिए भी स्वागत योग्य वो कदम होगा जब मूर्ति के अलावा आप लोग बात करेंगे कि हम हॉस्पिटल खुलवा रहे हैं, हम शिक्षा के लिए स्कूल खुलवा रहे हैं, विकास की बात, हमारे लिए एक
विकास की बात तो समाजवादी पार्टी से ज्यादा कोई कर नहीं सकता और किया भी नहीं है। ब्राह्मण सम्मेलन की बात, विकास लेकिन लेकिन अगर मैं तो कह रहा हूँ दूसरे धर्मों की जब सम्मेलन होते हैं तब ये सवाल नहीं उठता। ब्राह्मणों से क्यों इतनी समस्या है, मैं तो पूछ रहा हूँ। बिल्कुल ब्राह्मण जब कहीं पे सम्मेलन करता है कहीं भी तो ऐसी बातें क्यों होने लगती है। शुरुआत कर रहे हैं तो बिल्कुल उठता है की अब तो आप बुआ जी के भी वोटर्स, अच्छी बात है ना। ब्राह्मणों को अगर आप वोटर्स खींच रहे हैं तो आपने किनारे रखा हुआ है। युवा ब्राह्मणों को हम राजनीतिक दल में बाकायदा साझा मंच दे रहे हैं, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। सवाल हर एक मुद्दे पर उठेगा, सवाल हर एक नहीं, सवाल हर मुद्दे पर उठेगा, जवाब भी हर मुद्दे पर दूंगा। मैं जवाब भी तो हर मुद्दे पर दे रहा हूँ, मैं कहाँ भाग रहा हूँ। ब्राह्मणों का बहुत ज्यादा शोषण हुआ है, ब्राह्मणों को लेकर लगातार विपक्ष, लेकिन कांग्रेस इसका जवाब दे जो मैंने सवाल उठाया। मैं रिक्वेस्ट करता हूं जी से भी सवाल ले लेंगे, जवाब ले लेंगे आपकी बात का, लेकिन की बात पे जवाब दें। जातीय जो जाति एक आप लोग साधने की कोशिश करते हैं, जातीय समीकरण वो साफ तौर पर दिखाई पड़ता है, चाहे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बनाना हो, केशव प्रसाद मौर्य को डेप्यूटी सीएम, दिनेश शर्मा को डेप्यूटी सीएम बनाना हो, या फिर अब जितिन प्रसाद को कोई बड़ा पद देने की बात हो रही हो, तो जातीय समीकरण तो देखिए हर कोई साधने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो ब्राह्मणों की क्षति की जो आपके ऊपर लगातार आरोप लग रहे हैं, और हमारे साथ कई ब्राह्मण ऐसे जो उनके चिंतक हैं वो जुड़े भी थे, और उन्होंने कहा था कि हमने एक प्रैक्टिकल करके देखा था लेकिन वो प्रैक्टिकल कहीं ना कहीं फेल हो गया है, तो वोटर्स छिटकने का डर सता रहा है या नहीं। देखिए सबसे पहले तो मैं विवेक भाई से कहूंगा, मैंने आपकी बात सुनी है, अब सुनिएगा मेरी बात। सबसे पहले तो मैं कांग्रेस की बात का जवाब देना चाहूंगा। इन्होंने कहा कि मैंने तो ब्राह्मणों की बात ही नहीं की। अरे आप किस मुंह से बात करेंगे? आपने तो विवेक भाई ने एक सवाल पूछ लिया, दूसरा मैं भी पूछ लेता हूं, उसका भी जवाब दे दीजिएगा। क्योंकि आप तो जब सत्ता में थे आपने कश्मीरी पंडितों के साथ क्या व्यवहार किया है वो देश से छुपा नहीं है। जब पंडितों के साथ, कश्मीरी पंडितों की बहन बेटियों के साथ क्या क्या हुआ, कैसे वो वहां से भगाए गए, आपने कोई एक्शन नहीं लिया, पूरे देश ने देखा। आपके प्रति, आप ब्राह्मण के प्रति क्या सम्मान रखते हैं वो किसी से छुपा नहीं है, तो आप किस मुंह से बात करेंगे वो तो इसी से पता चल जाता है। अब दूसरी बात, आपने पूछा कि भारतीय जनता पार्टी को डर है खोने का। अरे मैं पूछना तो चाहता हूं आपसे, 2014 से यही सुनते आ रहे थे, हर बार ब्राह्मण, हर चुनाव में ब्राह्मण की बात उठती थी, लेकिन ब्राह्मण ने 2014 के बाद से एक ही रास्ते को तय किया कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना है। उसमें 80% तक भारतीय जनता पार्टी के साथ ब्राह्मण जुड़ा हुआ है। और आज मैं आपको बताऊं, ये ब्राह्मण वोट पाने की वकालत नहीं हो रही है या होड़ नहीं लगी हुई है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक काम है कि ब्राह्मण वोट का बिखराव चाहते हैं, अखिलेश यादव हो चाहे मायावती हो, क्योंकि यो भाजपा का वोट बैंक है। चाहे ब्राह्मण, आप कह लीजिए ब्राह्मण 80% जाता है तो जाता ही है। बात वही हो रही ना, परंपरागत वोट बैंक आपका साधने की हर पार्टी कोशिश कर रही है। हमने कहा साधा, हम तो ब्राह्मणों की भी बात करते हैं, हम तो दलितों की बात भी करते हैं, हम तो ओबीसी की भी बात भी करते हैं, हम तो इसीलिए आज हम 330 विधायकों के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर बैठे हुए हैं, और 80 सांसदों में 73 के साथ हम 2014 में आए थे, और 64 के साथ हम इस बार 2019 में आए हैं। तो हम तो सबका साथ, सबका विश्वास और सबके विश्वास पे काम कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि आज जो मुद्दा होना चाहिए वो होना चाहिए विकास, आज होना चाहिए कि भाई सड़क पर क्या काम हुआ है, आज ऊर्जा पे काम हुआ, बिजली आई कि नहीं आई, आज रोजगार पे काम हुआ, आज ये विषय होना चाहिए था। लेकिन आज एक जाति में जो काम ये लोग पिछले 20 सालों से 25 सालों से करते चले आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश को जाति में झोंकने का काम कर रहे हैं, वो इन्होंने दोबारा दोहराने का काम किया है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में जाति हो वो ऊपर उठकर विकास के नाम पर वोट कर गई है, आज कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं ब्राह्मण हूं। बात तो विकास पर होनी चाहिए, बात तो लोगों के मुद्दों पर होनी चाहिए जो जमीनी स्तर के हैं, लेकिन हम क्या करें जब आप बातों के लिए आप लोग मुद्दे ही ये देते हैं। आप बताइए, सपा बलिया से ब्राह्मण सम्मेलन करने जा रही है तो हम सवाल किस पर पूछे? सवाल तो यही बनेगा ना कि ब्राह्मण सम्मेलन क्यों हो रहे हैं, विकास सम्मेलन क्यों नहीं हो रहा है, और आपको डर सता रहा है कि नहीं सता रहा? सवाल तो हमारा यही होगा, क्योंकि जातीय समीकरण साधने की तो लगातार कोशिश की जा रही है, तो हम भी देख रहे हैं। ठीक है आशीष, आप एक मुझे जवाब देने दीजिए। जी जी, अभी इतने प्रश्न पूछेंगे, थोड़ा जवाब भी सुनिए। जैसे आपने कहा कि हमें वोट बैंक, देखिए आज भारतीय जनता पार्टी का संगठन हो या कैबिनेट हो सरकार की, या आज मुख्यमंत्री जी के बाद जो दूसरा नाम आता है उत्तर प्रदेश में शासन में, वो भी एक ब्राह्मणी है। आज उत्तर प्रदेश में डीजीपी जो रिटायर हुए वो भी ब्राह्मण समाज से थे। आज आप ब्राह्मणों की, आप देखिए उत्तर प्रदेश सरकार में ब्राह्मणों की संख्या कितनी है, पिछली सरकारों के तय कीजिए, इस सरकार में देखिए, आपको अंदाजा हो जाएगा, पता चल जाएगा ब्राह्मणों का हितैषी कौन है। आज ये विवेक भाई बार बार कह रहे हैं तो आगे नहीं हितैषी, ये तो नहीं, आपको अमित जी ब्राह्मणों को समझाना है कि आप उनके हितैषी है, ब्राह्मण समझा हुआ है, खिसक ना जाए ब्राह्मण को।
समझाने की जरूरत नहीं है, ये अगर आप सोचते हैं कि ब्राह्मण को कोई समझाएगा। 3 महीने में 670 ब्राह्मणों की अमित भैया हत्या हो, ये तो आप मानते हैं? देखिए देखिए, मैं तो कह रहा हूँ, ये तो आप खुद विधायक इससे चर्चा करना चाह रहे हैं ना। मैं आपसे कहना चाहता हूँ विवेक भाई, बिल्कुल आपने कहा, मैं आपसे पूछना, अच्छा आपके विधायक इस पे चर्चा करना चाहते हैं तो कोई विषय है, तभी तो समाज के, समाज की तो कम से कम बात करेंगे आप। विवेक भाई, समाज की बात होनी चाहिए, आपने मुद्दा उठाया, मैंने आपकी बात सुनी जी। आपने कहा कि परशुराम जी की मूर्ति लगा के हम पूजा करने में क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, परशुराम जी तो हमारे आराध्य हैं, आराध्य हैं, हम सभी के आराध्य हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ और आपसे जवाब चाहता हूँ, पूजा करना ठीक है जी, लेकिन क्या जो ब्राह्मण की हत्या एक चुनाव को लेकर नीरज मिश्रा का सर कटवा के लखनऊ तो उसके बदले आप 670 ब्राह्मण बनवा देंगे? नहीं नहीं, नीरज मिश्रा उसके बदले, उसके बदले 670 तो माफी मांगेंगे क्या? उसके बदले के ऊपर क्या वो साबित हुआ? अगर ये आरोप है, अगर ये आरोप है तो साबित क्यों नहीं किया आपने? जांच क्यों नहीं किया आपने? साबित हुआ है तो क्यों नहीं कार्रवाई की आपने उस समय की? उसके बदले 6-3 महीने में 670 ब्राह्मणों की हत्या करवाएंगे, ब्राह्मणों के शस्त्र गिनवाएंगे। खुशी दुबे को जेल में क्यों रखा गया? खुशी दुबे को जेल में क्यों रखा गया? ब्राह्मणों के अत्याचार कर रहा है, आप समाज के खिलाफ बात करेंगे? ब्राह्मण डिसाइड कर लेंगे 2022 के चुनाव में कौन किसका हितैषी है। देखिए विवेक भाई, मैं आपको एक चीज और बता दूं, आपके यहाँ मुलायम सिंह यादव जब मुख्यमंत्री थे तो अराजक संघ, एक अराजक संघ चलता है, उसमें जो बातें होती थी वो भी आपको याद होंगी, तो बता दीजिएगा, नहीं होगा तो पढ़िएगा। उसमें कहा जाता था कि अगर ब्राह्मण और काला नाग एक साथ दिखे तो पहले काले नाग को मारो, ये समाजवादी पार्टी की सोच थी ब्राह्मणों के लिए। समाजवादी पार्टी की सोच अगर आप बताते हैं काले नाग की तुम ना करते हैं, आप बताइए समाजवादी पार्टी अगर इतनी गलत है तो समाजवादी पार्टी के नेताओं को क्यों लेते हैं आप? राजनीति का फायदा होता है, क्यों कल्याण सिंह को आपने लिया? कल्याण सिंह को क्यों लिया? कल्याण सिंह समाजवादी पार्टी में आए थे, क्यों गए आपके पास? नरेश अग्रवाल क्यों 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 गए? गौरव भाटिया कौन है बताइए ना, ये तो समाजवादी के लोग हैं, आपके पास क्या कर रहे हैं? अवसरवादी लोग हैं आप लोग, षड्यंत्र की राजनीति करते हैं, लाशों की राजनीति, ब्राह्मणों के ऊपर आते आएंगे, ब्राह्मणों की कार्रवाई करेंगे। प्लीज बिल्कुल लड़ाई का अखाड़ा बना देते हैं आप लोग, किसी पार्टी की तरफ से बैठे हैं अपने जवाब देने के लिए, इस तरह से लड़ाई का अखाड़ा मत बनाइए मेरी डिबेट को, मैं 10 बार कह रही हूँ। आशीष जी, जाति आधार लेकर आपने देख लिया कि किस तरह से यहाँ पे पूरा घमासान मचा हुआ था, कि आपने कितने ब्राह्मणों को मारा, किसको नहीं मारा, और फिर बात होती है कि हम तो विकास के मुद्दे लेकर आए, विकास में लड़ाई करिए ना, तब तो मैं भी देखूं आप लोग की आवाजों में कितना दम है। उतरिए जमीनों पर, जाके देखिए पेट्रोल के दाम कितने बढ़े हुए, जाके देखिए गरीबी किस स्तर पर जा रही है। आशीष जी, क्या कहना है आपका? देखिए देखिए, सर्वप्रथम तो ये बड़ी शर्म की बात है कि 21वीं शताब्दी में इस देश को स्वतंत्रता हुए 75 साल पूर्ण होने वाले हैं अभी आगामी 15 अगस्त को, और ये लोग जाति पर अपना डिस्कशन कर रहे हैं। ये व्यवस्था कौन लाया? कांग्रेस ने कांग्रेस क्यों नहीं किया? कांग्रेस ने बदलाव क्यों नहीं किया कानूनों में? कांग्रेस कानूनों में बदलाव क्यों नहीं कर पाई आज तक? जाति व्यवस्था क्यों नहीं समाप्त कर पाई कांग्रेस? बताइएगा, चुप रहिए, मैं संबित पात्रा नहीं हूँ, ठीक है ना? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से एक एक करके बोल लीजिए। आमिर जी प्लीज, उनको संविधान से आगे उठिए, गांधी ने आमिर जी आप लोग संविधान से सोना बनाएंगे, प्लीज गलत तरीके से बात करिए, आमिर जी प्लीज शिष्टाचार बना के रखिए, प्लीज लीजिए अमित जी प्लीज, देखिए मेरी बात समझिए, गांधी की तरह अभी आपको दिलीप जी ने राहुल गांधी जनेऊ पहनने थे ढोंगियों की तरीके से, पहले राहुल गांधी को पता कीजिए कि उनका गोत्र क्या है, वो किस जाति से आए, आज तक आप यही नहीं जान पाए, ये बताइए करके राहुल गांधी की जात क्या है, गोत्र क्या है, ये पता करके बताइए। अमित प्लीज, आपने यहाँ बात नहीं, नहीं अब उन्होंने कोई गलत बात नहीं करी है, आप जबरदस्ती करने का प्रयास मत करिए। अरे जी देखिए प्लीज, नहीं प्लीज, नहीं नहीं, तो इन्होंने कैसे कह दिया? उन्होंने कोई गलत, आप लेकिन उनको भी चुप करा रही हूँ, लेकिन उनका वक्त था बोलने का, आपको वक्त दिया ना मैंने बोलने का? नहीं नहीं, शर्म इनको आनी चाहिए, जी शर्म वाली आपकी बातें मत करिए, वो देख रहा है, ये फिर मैं कह रही हूँ मत मजबूर करिए, ये बताएं कि राहुल गांधी का गोत्र क्या है, वो जनेऊ पहनने थे किस गोत्र के हैं, वो कौन सा ब्राह्मण है? तो यही है ना, यही है कि चुनाव आते ही ये लोग ब्राह्मणों का अपमान करने का काम करते हैं। विवेक जी प्लीज मत इरिटेट करिए, देखिए यही हो जाए ना कि अगर आप यूपी में आए हैं, अगर आप चुनाव लड़ने वाले हैं तो सबसे पहले आपको नाम के साथ साथ अपनी जाति भी बतानी होगी। विषय ब्राह्मणों का है तो पहले ब्राह्मण हत्याओं का जवाब देंगे। बोलने दीजिए ना, विकास का मतलब ब्राह्मणों पे आप पहुंच गए, किसको शर्म आनी चाहिए?
आप अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करेंगे तो सुनना पड़ेगा। आप या तो इतना सुनने का मादा रखिए। विवेक जी, फिर आप लोग संविधान से आगे चले गए ना, दिक्कत ये है। संविधान कहता है ना कि राजनीति जाति बदल संविधान से आगे नहीं जा सकता। इस देश में कोई राजनीति नहीं है। तभी आपने बोला कौन सा गोत्र है, अमित जी ने क्यों बोला? यानी कि आप यूपी में आए हैं तो आपको अपने नाम के आगे बताना होगा, डिस्क्लेमर देना होगा कि मेरी ये जाति है। ये अमित त्रिपाठी ने नहीं कहा कीर्ति जी, अभी आपने बोला कि अपना जनेऊ दिखाते हैं, ये उनके खुद के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके। ठीक है अमित जी, मैं उनसे सवाल ले रही हूँ, पूछूंगा नहीं, मैं उनसे सवाल ले रही हूँ। बिल्कुल, आप अपनी आवाज को थोड़ा सा नीचे रखेंगे। आप देखिए, आप भी आवाज को थोड़ा नीचे कीजिए। मैं यहाँ पे खुद मेरी आप लोग की गलती तेज हुई है। ठीक है, आशीष जी को जवाब दे दीजिए। जी आशीष जी बोलिए। देखिए, मेरा यही कहना है कि ब्राह्मण समुदाय से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जुड़ी हुई है और इनको इतना ही है ब्राह्मण का, तो आइए शास्त्रार्थ कर लेते हैं। मुझे तो आता है, आपको ज्ञान है कि आपको ज्ञान होगा ऋग्वेद के चातुर्वर्ण्य के पुरुष सूक्त के सिद्धांत का, आपको पता होगा। देखिए अमित जी, मैं आपसे ले लूंगी ना, आप उत्तर दे दीजिएगा, आप लोग का समय है, मेरे को पहले उनसे जवाब ले लेने दीजिए। जी बोलिए। देखिए, जब आप चर्चा में आते हैं तो मैं तैयार हूँ, समी पात्र तो हूँ नहीं, शास्त्रार्थ हो जाए कि पुरुष सूक्त के चातुर्वर्ण्य के सिद्धांत के बारे में चर्चा कर लेता, ये पता चल जाता है कौन कितना ब्राह्मण में विश्वास करता है। जातिवाद का जो एजेंडा लेके आज जो घूम रहे हैं ना उत्तर प्रदेश में, बंद कर दीजिए, ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। आपको चुनाव में वोट नहीं मिलने वाले, और बड़ी शर्म की बात है कि जिस डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने संविधान को बनाया था, इतनी मेहनत से 3 साल का समय लगा था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट हुई थी, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 पढ़ लीजिए, और आप उस व्यक्ति की विचारधारा में विश्वास करते हैं जो आरएसएस समुदाय से आते हैं कि जो देश के संविधान में विश्वास नहीं करते। और बहुजन समाजवादी पार्टी, शर्म आनी चाहिए, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का मुखौटा पहनकर स्वयं ब्राह्मणों की राजनीति करते हैं। आशीष जी, आप भी स्ट्रेटजी बना लीजिए, जरूरत है, क्योंकि देख रहे हैं आप कि किस तरह से एक दूसरे की बुराई करते करते, हालांकि ये लोग ये भूल जाते हैं कि हम अपनी ही पोल खोल रहे हैं, ये समझ में आ जाता है। जो विकास की बात होती है, जो एजेंडो की बात होती है, वो जाति पे कैसे घूम जाती है, और साफ तौर पर नजर आ रहा है। अमित जी, विवेक जी, आप भी देख रहे हैं, ये चिल्लाना चीखना मुझे नहीं लगता ये शिष्टाचार कहीं से भी आता होगा। आप लोग मुद्दा रखने आए हैं, बात रखने आए हैं, उसके बात को रखिए, मैं सुन रही हूँ और मौका मैं सबको बराबर से दे रही हूँ। ठीक है दिलीप जी, मैं आप पर आना चाहूंगी। जिस तरह से ये जाति 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 की बात होने लग गई है, ये कितना जरूरी हो गया है इस वक्त, और क्या लगता है कि जो अयोध्या में विकास की राह, तो कहीं ना कहीं बीजेपी भी ये कोशिश कर रही है कि हम अयोध्या पर एक बार तीर मार चुके हैं लेकिन उसको हल्के में नहीं ले सकते, इसलिए विकास ढूंढना जरूरी है वहां पर भी। क्योंकि मेरे हिसाब से जो जातिगत समीकरण बैठाले जाते हैं वो भारतीय समाज के लिए और समाज जो सोशल प्रिंसिपल्स होते हैं उनके बिल्कुल खिलाफ होते हैं। वर्गीकरण किया गया है वो किसी जाति के आधार पर नहीं किया गया, वो कर्मों के आधार पर किया गया है, और राजनीतिक दृष्टिकोण से जातियों में किस तरीके से भगवान को बांट दिया गया है, जहां तक मेरा माइथोलॉजी का ज्ञान है, भगवान विष्णु के ही अवतार है परशुराम जी, भगवान विष्णु के ही अवतार हैं श्री रामचंद्र जी, और भगवान विष्णु के ही अवतार हैं श्री कृष्ण जी। लेकिन राजनीतिक लोग क्या कहते हैं कि परशुराम जी ब्राह्मण हैं, रामचंद्र जी क्षत्रिय हैं और कृष्ण जी यादव हैं। अब एक ही ब्रह्म के 3 अवतार हैं और तीनों को अलग अलग जातियों में बांट दिया गया, जबकि माइथोलॉजी में ऐसा नहीं बांटा गया है, तो ये जाहिर सी बात है। और फिर मैं यहाँ कहूंगा, यहाँ पर जनता का दोष है, जनता को इन बातों को समझने की जरूरत है कि ये जो वर्गीकरण किया जा रहा है ये वास्तव में उनके अपने फायदे के लिए है, या राजनीतिक पार्टियां अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए इनको बांट रही हैं। ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जो अंग्रेज भारत में डाल के चले गए थे, और आपको अगर हिस्ट्री का पता हो, जो लॉर्ड मैकाले ने एक सर्वे में यहाँ पर रिपोर्ट दी कि यहाँ पर लोगों को कैसे बांटा जाएगा, वो बांटने की प्रवृत्ति जो थी वो आज तक चली आ रही है। और जो कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, इसका सारा का सारा इल्जाम इन्हीं के ऊपर जाता है, क्योंकि ये शुरुआती कांग्रेस से हुई थी और कांग्रेस इस बात को नकार नहीं सकती है, क्योंकि शुरू से लेकर के और कई दशकों तक कांग्रेस ने ही इस देश पर राज किया है। जो परिपाटी पड़ी है इस देश के अंदर राजनीति की, उसको डालने का सारा श्रेय कांग्रेस को ही जाएगा। ये अलग बात है कि जो डेवलपमेंट हुआ उसका श्रेय बीजेपी के सिर पे जाएगा, लेकिन भारतीय राजनीति की जो दशा और दिशा बदली और जो जाकर के जाति पर केंद्रित हो गई, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पे केंद्रित हो गई, इसका सारा का सारा इल्जाम या इसका सारा का सारा श्रेय जाएगा तो कांग्रेस को ही, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस की वो पार्टी थी जिससे आजादी के बाद जब गांधी जी ने कहा था कि अब इंडियन नेशनल कांग्रेस को खत्म हो जाना चाहिए, तो क्यों नहीं खत्म हुई? और जब संविधान लागू हुआ था तो राजनीतिक पार्टियां बनाने जैसा कोई कॉन्सेप्ट हमारे संविधान में नहीं है,
1950 में संविधान लागू था, संविधान में राजनीतिक पार्टियां होंगी ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। उसके बाद राजनीतिक पार्टियों ने अपने फायदे के लिए 1951 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट बनाया, तब जाकर के राजनीतिक पार्टियों के कॉन्सेप्ट ने जन्म लिया। बिल्कुल, तो अगर ये सारे डेवलपमेंट हुए तो ये सारे डेवलपमेंट का जो श्रेय है वो कांग्रेस पार्टी को ही जाएगा। और अगर आज राजनीति में जाति की लड़ाई हो रही है, अब वो जाति की लड़ाई के लिए ब्राह्मण को चाहे सपा खींचे, बसपा खींचे, भाजपा खींचे, चाहे कांग्रेस खींचे, लेकिन इसका जो बीज है ना वो बीज कांग्रेस का ही डाला हुआ। लेकिन दिलीप जी, ऐसा नहीं लग रहा है कि नई स्ट्रेटेजी बन गई है ये कि भैया आप दूसरे, एक मिनट आशीष जी मैं आ रही हूँ, एक सेकंड मैं आप पर आ रही हूँ, एक सेकंड आप जवाब दे दीजिएगा जो बात तो ये बोली है उन्होंने, मुझे मालूम है आप इच्छुक हो रहे होंगे उनका जवाब देने के दिलीप जी, लेकिन ये बताइए ना जो स्ट्रेटेजी नई जो चेंज हुई है उत्तर प्रदेश की कि भैया दूसरे का जो वोट बैंक है वो खींचो, अपना तो सिक्योर है, अपना सिक्योर है क्या वाकई में, क्योंकि हर कोई दूसरे दूसरे पे सेंध लगा रहा है, ये नई स्ट्रेटेजी खुलकर आ रही है। कीर्ति जी, सामाजिक सिद्धांतों के खिलाफ भारतीय संविधान के जो सामाजिक सिद्धांत हैं उसके एकदम अपोजिट राजनीति चल रही है। ये कोई जाति किसी विशेष पार्टी का वोट बैंक हो सकती है, ये क्या स्ट्रेटेजी है? इस देश में अगर हवा पानी रोटी कपड़ा और मकान जो बेसिक नेसेसिटी है समाज की, रोटी कपड़ा और मकान, तो क्या ब्राह्मण को रोटी कपड़ा मकान नहीं चाहिए? क्या दलित को रोटी कपड़ा मकान नहीं चाहिए? क्या सवर्ण को रोटी कपड़ा मकान नहीं चाहिए? क्या दलित या नीची जाति को रोटी कपड़ा मकान नहीं चाहिए? हवा पानी नहीं चाहिए? शुद्ध हवा नहीं चाहिए? शुद्ध पानी? ये राजनीति की जरूरत ही नहीं रह गई है दिलीप जी, ये तो राजनीति की जरूरत ही नहीं रह गई है। आज इस देश को शिक्षा की जरूरत है, शिक्षा की जरूरत है, लेकिन उस विकास के अंदर में वो मुद्दे कहाँ चले जाते हैं, कौन सी ऐसी पोटली में ठंडे बस्ते में बंद करके दफन कर दिए जाते हैं चुनाव के बाद, ये नहीं पता चलता है, क्योंकि विकास नाम दे दिया जाता है कि हम विकास कर रहे हैं, लेकिन उस विकास में क्या शिक्षा मिल रही है, क्या नौकरी मिल रही है, रोजगार मिल रहा है, ये तमाम बातें कहीं गुम हो जाती है। जी आशीष जी, आपको इच्छुक हो रहे जी, कहिए कि वो बसपा छोड़ करके किसी और पार्टी में चले जाएं, वो नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां उनको सम्मान मिल रहा है, वहां उनको पद मिला है, इसलिए बसपा ही ब्राह्मणों की हितैषी है। जिस ब्राह्मण को भाजपा में अच्छा पद मिला है उसके लिए ब्राह्मण भाजपा सबसे अच्छी पार्टी है, जिस दलित को भाजपा में अच्छा पद मिल गया है उस दलित के लिए भाजपा सबसे अच्छी पार्टी है, जिसको सम्मान कांग्रेस में मिल जाएगा, जिसको सम्मान समाजवादी पार्टी में मिल जाएगा, हर उस व्यक्ति के लिए जहां व्यक्तिगत लाभ या व्यक्तिगत हित सिद्ध हो रहे हैं उस व्यक्ति के लिए वो पार्टी अच्छी है। किसी जाति विशेष से किसी का मतलब नहीं, कोई किसी जाति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, बिल्कुल नहीं करता है, क्योंकि मजबूरी बन जाती है। अमित जी और विवेक जी की भी यही मजबूरी है कि पार्टी की तरफ से बैठे तो बोलना तो पड़ेगा ही, जरूरी बन जाएगा। ठीक है आशीष जी, नींव ही क्यों कमजोर है, क्यों लगातार कांग्रेस ने इस तरह की चीजें करी है और संविधान को बदलने की कोशिश नहीं करी, कि लगातार जो जड़ें हैं वो कमजोर होती चली गई और आज उसी का फल आप भोग रहे 30 साल से है नहीं। संविधान को लेकर इन्होंने प्रश्न पूछा है, इसका साफ साफ उत्तर है, मेरे ख्याल से उनको पढ़ना चाहिए नेहरू की रिपोर्ट आई थी जो 1928 की जो रिपोर्ट बनी थी कि जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाने में उसका सहायता ली गई। नंबर दो पर इन्होंने कहा कि विकास जो किया उसका श्रेय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जाता है, किंतु जातिवादी जो व्यवस्था थी उसके लिए भी कांग्रेस जिम्मेदार है। मैं उनको कहना चाहता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 45 आर्टिकल 46 को पढ़िए। नेहरू जी जब देश में लैंड रिफॉर्म लागू कर रहे थे तब सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया, जो केस हुआ था चंपक दोराय राजन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951, इसके रिस्पांस में नेहरू जी ने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लाया और संसद में संविधान संशोधन करके देश के किसानों के हितार्थ में निर्णय लिया। नंबर दो पर महिलाओं की बात आई और बच्चों की बात आई, इनके विकास की बात, इसको लेकर भी देश के संविधान में संशोधन किया गया, प्रथम संविधान संशोधन, और इसमें आशीष जी बिल बहुत आए लेकिन बदलाव कहीं नजर नहीं आया, 3 साल से आपकी सत्ता नहीं है, पेगासस मुद्दा और कृषि कानून का मुद्दा छोड़ के उत्तर प्रदेश के मुद्दों पर नजर डाल लीजिए, बदलाव की बात नहीं है। आपको शायद पता होना चाहिए कि जिस ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन को बनाया गया, एलिमेंट्री एजुकेशन को प्राथमिकता दी गई, इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात की गई, डेवलपमेंट नहीं इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात की गई, धर्म निरपेक्षता को ज्यादा प्राथमिकता दी गई, डिसेंट को प्राथमिकता दी गई, आज आपको दिख रहा है विकास। जी दिलीप जी कुछ बोल रहे हैं आप, इनकी बात मैं इनकी बात का जवाब दूंगा, आप मुझे मौका दीजिएगा जी।
इन्होंने जो कहा अभी आर्टिकल 45 की बात करी और एलिमेंट्री एजुकेशन पे फोकस की बात करी, महोदय आर्टिकल 45 को जाके दोबारा पढ़ लीजिए। यह है दूसरा, आर्टिकल 45 में ये लिखा हुआ था कि संविधान लागू होने से 10 साल के अंदर भारत की सरकार 6 साल के हर बच्चे को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देगी। आपने दिया क्या? 80 साल तक नहीं दिया। 2002 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया जहां कहा गया कि हर 14 साल तक के बच्चे को फ्री एजुकेशन और कंपलसरी एजुकेशन मिलेगा, उसको फंडामेंटल राइट बनाया जाएगा। 10 साल तक, 8 साल तक इस अमेंडमेंट को इफेक्टिव नहीं किया गया। ये आप ही के रिजीम की बात है। संविधान जब बना था तो 10 साल बाद आप ही को इस देश में फ्री और कंपलसरी एजुकेशन लागू करना था, आपने किया क्या? जरूरी, ठीक है दिलीप जी, देखिए ये बातें जरूरी हो जाती है लेकिन आप मुद्दे से नहीं भटकेंगे, ठीक है। और सुनिए, संविधान जब बना था तो संविधान के सेंट्रल लिस्ट में दिलीप जी, मेरे पास समय कमी, मैं एक कमेंट लास्ट अमित जी और विवेक जी से भी लेना चाहती हूं। संविधान पर कीर्ति जी, मैं चैलेंज दे रहा हूं कि संविधान पे जिसको बहस करनी हो एक्सक्लूसिव बहस करा लीजिएगा और जिस पार्टी से जो एक्सपर्ट बैठना चाहता हो उसको बैठा लीजिएगा मेरे सामने। बिल्कुल बिल्कुल आशीष जी, खुला चैलेंज आपको दे दिया, जिस दिन आपको करना हो संविधान पे बहस कि नींव क्यों कमजोर छोड़ी हुई है उसको थोड़ा आप लोग को सही करने की जरूरत थी लेकिन नहीं की गई। हालांकि इस पे चर्चा करेंगे मुद्दे से नहीं भटकते हुए। विवेक जी, आपको क्या लगता है ब्राह्मण सम्मेलन से क्या आप वोट बैंक साथ पाएंगे? क्योंकि अब तो आप दोनों वोट बैंक पर, बसपा के भी वोट बैंक पर सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही साथ बीजेपी के भी। देखिए, मैं आपको हमेशा कह रहा, शुरू से ही मैं कह रहा था कि ये समाज की बात है, वरना भाजपा के हमारे मित्र भी बैठे हैं, कांग्रेस को हमने सुनी लिया, 222 ऐसे कानून है कांग्रेस आज तक उनको दुरुस्त नहीं कर पाई, 1861 का अंग्रेजी कानून जो कि पूरी तरह प्रताड़ना का हमेशा शिकार रहता है वो भी है। मैं कहता हूं कि ब्राह्मण कभी भी किसी भी के न भटकावे में आया है न भटकाने पे जाएगा। ब्राह्मण स्वयं स्वयं चिंतनशील है, मननशील है। ब्राह्मण आत्मचिंतन आत्ममंथन करके स्वयं निर्धारित कर लेगा, लेकिन बात अगर समाज की आएगी, राजनीतिक दल अपनी राजनीति करते रहेंगे लेकिन जहां बात समाज की आएगी वहां पे समाज के प्रबुद्ध लोगों के साथ बैठ करके अपने समाज की समस्याओं का निस्तारण करना, कोई मैं इसको आक्षेप और गलत नहीं मानता। और दूसरी बात फिर कहता हूं, हम दूसरी जातियों का सम्मान करते हैं, हम दूसरी जातियों को प्रणाम करते हैं, लेकिन ब्राह्मण को हमेशा हम श्रेष्ठ मानते थे, हम उस श्रेष्ठ हैं और श्रेष्ठ रहेंगे। ये अनुभूति तब आती है जब अपने समाज के लोगों के साथ बैठकर चिंतन मनन करने का एक अवसर मिलता है। आपके इस बयान से यादव गुस्सा ना हो जाए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने हमेशा कहा यादवों का और ब्राह्मणों का, कृष्ण का और सुदामा का तो साथ रहा है और कृष्ण और सुदामा की जोड़ी तो ऐतिहासिक रही है, उस पर तो सवाल ही नहीं उठ सकता है। कीर्ति जी, ये तो राजनीतिक बातें हैं जो पैदा की जाती हैं अपने तर्कों से केवल जीतने के लिए, लेकिन जो सत्य है इस देश के इतिहास का जो सत्य है वो यही है। कृष्ण जी को आपने जो देख लिया, सत्य यह है कि कांग्रेस ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, उस रात के नरसंहार का जवाब नहीं दिया। विवेक जी, हम ये सवाल ले लेंगे एक दिन, लेकिन ये जनता बताएगी कि उन्हें अखिलेश जी का कृष्ण अवतार कितना पसंद आ रहा है, ये 2022 के चुनाव में पता चल जाएगा। अमित जी, क्या कहना है आपका? क्योंकि लगातार हम ये देख रहे हैं कि ब्राह्मण वोटर्स जो आपके बिल्कुल एकदम परंपरागत वोट है उस पर सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या आप भी यादव और दलितों की ओर अपनी नजर गड़ा रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए ब्राह्मण सर्वोपरि है, दलित सर्वोपरि है, जितनी भी जातें हैं सब सर्वोपरि है। भारतीय जनता पार्टी किसी एक जात की बात नहीं करती है, इसीलिए मैंने पहले भी कहा आपसे कि आज इतने बड़े बहुमत के साथ अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है तो सिर्फ ब्राह्मण की वजह से नहीं है, वो हर बिरादरी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उसके विकास की चिंता करती है, उसके विकास और विश्वास को जीतने का प्रयास करती है। उसी पर ये 2022 पर भी चुनाव होगा और हम लेकिन मिली थी ब्राह्मण, देखिए ब्राह्मण 80% में, तो आपसे मैंने यही आंकड़े मैंने खुद ही दिए कि 80%, तो इतना ही हमें दलित ने भी दिया, इतना ही हमें हमारे साथ यादव भी, हमारे साथ हर जाति के लोग, पिछड़े भी हैं, अति पिछड़े भी हैं, अनुसूचित भी हैं, सूचित को कौन सा पद देने वाले हैं? देखिए, ये मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है, ये पार्टी डिसाइड करेगी किसको देना है। देखिए भारतीय जनता, मैं आपको पहले ये चीज बता दूं, जितिन प्रसाद ही अकेले नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में बहुत ऐसे ब्राह्मण नेता, चाहे लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हो और कई ऐसे नेता हैं जो अपनी शैली को उन्होंने प्रभावित किया है और चुनाव में भी दिखाया है, इसमें केवल जितिन प्रसाद मंत्री पद पाएंगे ऐसा नहीं है, और भी चेहरे सामने हो सकते हैं, लेकिन हमने तो जितिन प्रसाद के बारे में पूछा क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है। जितिन प्रसाद, आप जितिन प्रसाद को ब्राह्मण चेहरा, देखो जितिन प्रसाद जी ब्राह्मण चेहरा है एकदम, लेकिन ब्राह्मण चेहरा और भी भारतीय जनता पार्टी में, इसलिए ये मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, हो सकता हूँ लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी भी। अच्छा, मंत्रिमंडल विस्तार कब तक हो सकता है? देखिए,
अब ये तो हम लोग नहीं तय करेंगे, ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी का अधिकार क्षेत्र है, वो जब भी तय करेंगे आपको सूचना मिल जाएगी। लेकिन कुछ ना कुछ अटकलें तो चल रही है ना मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, कि ये भी सिर्फ सूत्रों के हवाले से हमारी झूठी खबरें आ रही है, निगासत से नहीं आई है। लेकिन नहीं नहीं मैं तो चाहूंगा कि हमारे मित्र को पहले एक अच्छे पद पे सुशोभित किया जाए, क्योंकि हमारे समाज से आते हैं। मैं तो भाजपा से निवेदन करता हूं। नहीं नहीं भाई, आपने इतनी चिंता की धन्यवाद, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी से ही मेरी पहचान है। नहीं नहीं मैं तो चाहूंगा, मैं भारतीय जनता पार्टी ने मुझे इतना सम्मान और प्यार दिया, मैं उस भारतीय जनता पार्टी को भी धन्यवाद करता हूँ और आपके प्यार को भी धन्यवाद। मंत्रिमंडल विस्तार होगा, जितिन प्रसाद जी आएंगे नहीं आएंगे इस पर चर्चा होती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस प्राइम डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तो जिस तरह से अब बसपा के बाद सपा भी ब्राह्मण सम्मेलन करने जा रही है और जातीय समीकरण साधने की कोशिश, हालांकि हर पार्टी करती है, लेकिन यह देखना अहम होगा कि जातीय समीकरण किस हद तक कारगर साबित होता है उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में, क्योंकि लगातार यह देखने को मिल रहा है कि जातीय समीकरण हर पार्टी साध रही है। लेकिन मैं जनता से अपील करती हूं कि अपने जो जमीनी मुद्दे हैं उन्हें मत भूलिएगा और उनके आधार पर ही वोट करिएगा कि आपको कोरोना काल में किन कमियों को झेलना पड़ा या आपने किसकी पार्टी में कौन सी दिक्कतों का सामना किया। फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ, तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे साथ और हां देखते रहिए प्राइम डिबेट।